नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डीएस रावत और आप देख रहे हैं बीटीआर एजुकेशन सेंटर, हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको भारतीय शिक्षा प्रणाली एक के बारे में बता चुका हूँ। आइए आप शुरुआत करते हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली टू। तो इसमें प्रस्तावना में दिया है कि प्रथम इकाई में प्राचीन भारत की शिक्षा की अवधारणा तथा प्रक्रिया एवं गुरु की अवधारणा, विशेषताएं और दायित्वों के विषय में चर्चा की थी। हमने यह भी जाना है कि भारत के स्वतंत्रता पूर्व काल में शिक्षा का विकास कैसे हुआ है और स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्र राष्ट्र की प्रथम प्राथमिकता थी कि देश के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की प्रतिरूप तैयार करना है जो कि उनकी आवश्यकताओं पर खरा उतरे। 26 जनवरी 1950 से स्वतंत्र भारत में अपना संविधान लागू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधान रखा गया कि यह सरकार का दायित्व होगा कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर देश के सभी बच्चों को, जब तक कि वे 14 वर्ष के न हो जाएं, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसी इकाई में हम विभिन्न आयोगों समितियों का अध्ययन करेंगे जिनकी नियुक्ति भारत सरकार ने शिक्षा विभिन्न पक्षों पर विचार करने तथा शैक्षिक सुविधाओं को सुधारने के लिए उपयुक्त संतुष्टियों करने और भारत में एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली की स्थापना करने के लिए की है। इनमें से कुछ मुख्य आयोग और समितियां के बारे में हम यहाँ पे विचार विमर्श करेंगे। तो ये जो है शिक्षा आयोग, जो समिति है, जो राधा किशन आयोग था 1948 से, और 1950 में मुदालियार आयोग, 1952 दुर्गा भाई देशमुख समिति 1958, और कोठारी आयोग 1964 से 1966 तक। इन आयोगों और समितियों द्वारा दी गई संतुतियों का आधुनिक भारत में शैक्षिक नीतियों, ढांचे और शैक्षिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। इस इकाई में भारत सरकार ने शिक्षा की स्थिति, विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति का पुनर्निरीक्षण, पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF बनाई। इन नीतियों का प्रारंभिक शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बड़ा हितकारी प्रभाव पड़ा। इस इकाई में हम इन नीतियों का पुनर्निरीक्षण करेंगे। तो पहला इसमें दिया हुआ है अधिगम उद्देश्य, यानी जो सीखना है उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। पहला है कि विभिन्न शिक्षा आयोगों के ऐतिहासिक महत्व का विश्लेषण कर सकेंगे। कोठारी आयोग द्वारा दी गई संतुतियों की विशिष्ट प्रकृति की व्याख्या कर सकेंगे और विभिन्न शिक्षा आयोगों द्वारा अनुशासित कार्यक्रमों की क्षमताओं की जांच कर सकेंगे। वर्तमान शिक्षा नीति के विभिन्न लक्षणों को व्यक्त कर सकेंगे और उन पर व्याख्या कर सकेंगे। विभिन्न नीतियों द्वारा निर्धारित विभिन्न शैक्षिक लक्ष्यों की उनकी औचित्य की दृष्टि से जांच कर सकेंगे। भारतीय शिक्षा नीतियों के योगदान एवं सार्विक प्रारंभिक शिक्षा एवं उनके प्रभाव की जांच कर सकेंगे। भारतीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मूल्यांकन कर सकेंगे और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के निहितार्थ की व्याख्या कर सकेंगे तथा इस पर आधारित कार्यनीति के सुझाव दे सकेंगे तथा 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा, यानी 5 वर्ष प्राथमिक तथा 3 वर्ष उच्च प्राथमिक की संरचना की समालोचना की जांच कर सकेंगे। स्वतंत्र भारत में गठित शिक्षा आयोग समितियों की संतुतियां। भारत में ऐसे बहुत सारे शिक्षा आयोग समितियां गठित हुए हैं जिन्होंने विभिन्न स्तर पर शिक्षा के विकास पर विचार किया है। उनमें नीचे दिए गए कुछ आयोग और समितियां हैं जिनका शिक्षा के